तो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज़ द मेटल कटिंग या मशीनिंग। बात करते हैं हम मेटल कटिंग या मशीनिंग, तो ये प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोड्यूस करते हैं वर्क पीस को बाय रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ चिप। क्योंकि चिप हमारा वो फॉर्मेशन है जब हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से चिप का निकलना, चिप हमारे रिलीज होंगे। मेटल कटिंग या मशीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्क पीस बाय रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ मेटल। किस फॉर्म में निकलेंगे? चिप के फॉर्म निकलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिंस ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के लिए गेट देयर फाइनल शेप और साइज बाय द मेटल रिमूवर। मान लीजिए आपने एक ब्लॉक लिया और आपको इसमें हमें इस तरह से कटिंग करनी है, तो आपको इतना जो पोर्शन होगा इसको रिमूव करना होगा। जब इस इतने पोर्शन को आप रिमूव कर देंगे तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि फिनिश प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चिप का फॉर्मेशन यूज़ किया। द प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स गेट देयर फाइनल शेप एंड साइज बाय द मेटल रिमूवल आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देन द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोसेस इज द लॉस ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप एंड वी डिस्कस फॉर्म दिस देयर फंडामेंटल। तो चिप का जो फॉर्मेशन है, चिप आखिर किस तरह से रिलीज होती है, तो देर हैव अ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीनिंग, जहाँ पर आप अरेंजमेंट दे सकते हैं, देर हैव अ अरेंजमेंट इन देर अरेंजमेंट, दिस इज द डायग्राम इन देर दिस डायग्राम देर आर सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस इन देर हैव अ वर्क पीस देर हैव अ वर्क पीस एंड दिस वन इज द टूल। तो टूल की पोजीशन एक पर्टिकुलर एंगल पर एंड देन चिप फॉर्मेशन स्टार्ट। तो देन वर्क पीस देर हैव अ टूल एंड दिस वन इज द चिप। देन देर हैव अ सर्टेन गैप एंड देर आर सर्टेन नॉर्मोलॉजी टू अंडरस्टैंड। देर आवर चिप, तो इसकी चिप की थिकनेस है, दैट इज टी सी। टी को हम लोग बोल रहे हैं अनकट चिप थिकनेस, टी सी हमारा है चिप थिकनेस आफ्टर द कट। दिस वन इज द टूल और यहाँ पर इस वाले पोर्शन को बोला जा रहा है लिप एंगल, दिस इज अ कटिंग स्पीड टूल वेलोसिटी वी एंड देर आवर एंगल दैट इज प्लस माइनस एंड प्लस। दिस वन इज द शेयर प्लेन, दिस वन इज द थिकनेस, दिस वन इज द वर्क पीस, दिस वन इज द फ्लैंक एंड दिस वन इज़ द कटिंग एंगल। तो यहाँ पर म्यू जो है हमारा रैक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जो हमारा शेयर एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है हमारा वो रिलीफ एंगल को रिप्रेजेंट। एफ एंड आर हमारा, म्यू हमारा रैक एंगल है, एफ हमारा शेयर एंगल है, आर हमारा रिलीफ एंगल है। ये तो ये डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करता है चिप फॉर्मेशन, मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन, जो कि सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीनिंग का यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब पर्टिकुलर मेटल कटिंग प्रोसेस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें हमने देखा कि एक वेज शेप टूल है जो कि मूव करता है रिलेटेड टू द वर्क पीस, और टूल जो है यहाँ पर जो टूल है ये कॉन्टेक्ट में होता है विद द मेटल, जो कि एग्जर्ट प्रेशर ऑन इट्स रिजल्टिंग कंप्रेशन ऑफ द मेटल नियर द टूल टिप अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो इससे क्या होता है, इससे दिस इंड्यूस शेयर टाइप फॉर्मेशन, शेयर टाइप डिफॉर्मेशन किसके साथ, विद इन द मेटल, और स्टार्ट हो जाता है मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग द टॉप ऑफ द फेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो जो चिप का फॉर्मेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हो रहा है। तो देन अपवर्ड अलॉन्ग द फेस ऑफ द टूल एज द टूल एडवांस द मटेरियल अहेड ऑफ इफ इट शेयर कंटिन्यूसली अलॉन्ग अ प्लेन कॉल्ड शेयर प्लेन। तो यहाँ पर हमने देखा था देर बड़ा शेयर प्लेन, और जो शेयर प्लेन हो रहा है एक्चुअली यार नैरो जोन जिसमें कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 0.025 mm और एक्सटेंड फ्रॉम द कटिंग एज ऑफ द टूल ऑफ द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस। एंड जो कटिंग एज है दैट इज द कटिंग एज ऑफ द टूल इज फॉर्म्ड बाई टू इंटरसेक्टिंग सर्फेस एंड द सर्फेस अलॉन्ग द चिप मूव्स अपवर्ड इज कॉल्ड रैक सर्फेस, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा दैट इज रैक सर्फेस। और अदर सर्फेस जो कि जिसमें कि रिलैक्ड और अवॉइड रबिंग विद द मशीन सरफेस, इसको हम लोग बोल रहे थे फ्लैंक रैक सरफेस, फ्लैंक फ्लैंक फ्लैंक
अदर सर्फेस इज लाइक टू अवॉइड रबिंग विद द मशीन सर्फेस इज कॉल्ड फ्लाइंग। और जो एंगल बिटवीन द रैक सर्फेस और द एंगल बिटवीन द रैक सर्फेस और नॉर्मल इज नोन एज अ रैक एंगल विच मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव। जो यहाँ पर मैंने डायग्राम में देखा था, देर आर पॉजिटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। शो एंगल बिटवीन द फ्लैंक हॉरिजॉन्टल मशीन सर्फेस नोन एज अ रिलीफ या क्लियरेंस एंगल। एंड मोस्ट कटिंग प्रोसेस हैव द सम बेसिक फीचर्स इन दिस फिगर वी सी दैट। और वेर अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज दैट इज अ मिलर कटर ड्रिल एंड बोरेज कैन बी रिगार्डेड एज सर्वल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्वाइंट टूगेदर एंड नोन एज अ मल्टी पॉइंट टूल। देन वेर अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज अ मिलिंग कटर ड्रिल और बोरेज कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्वल सिंगल पॉइंट टूल्स और ज्वाइंट टूगेदर आर नोन एज अ मल्टी पॉइंट टूल। तो देन